जागर मंडाण। तो आज आप सभी को लेके चलते हैं जागर मंडाण की इस दुनिया में। जागर मंडाण, मैं आप सभी को बता दूं, जागर मंडाण उसे कहते हैं जब देवी देवता अपने किसी पात्र पे आते हैं, एक सूक्ष्म रूप में अपने दर्शन देते हैं। तो ऐसी हमारी एक संस्कृति है जो कि सदियों से चलती आ रही परंपरा है। इसी परंपरा को आगे जीवित रखने के लिए अभी भी कहीं कहीं जो है जागर मंडाण होते हैं, जहाँ की ढोल दमों की सहायता से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। देवते आते हैं और एक पर्टिकुलर एक गांव में एक स्थान होता है जहाँ पे कि देवी देवता आने का एक आंगन चौक भी हम उसे कह सकते हैं, उसे हमारी भाषा में चौर कहते हैं, चौर में आते हैं। चलिए आज आप सभी को टोटली दिखाते हैं कैसे जागर मंडाण में देवता आते हैं, किस प्रकार से उनको प्रसन्न किया जाता है। तो चलिए आप सभी आगे वीडियो में बने रहना। तो ये हैं देवता के पात्र जिन पे कि देवता अवतरित होते हैं, देवता आते हैं। तो जागर मंडाण एक ऐसी जगह पे आते हैं जिसे चौर कहते हैं, और चौर में अनेकों प्रकार के देवी देवता आपको देखने को मिलते हैं। जबकि ढोल की धुन से जो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, बुलाया जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग देवी देवता यहाँ पर आते हैं, अपने पात्र पर आते हैं और नाचते हैं और अपनी धूप धूफानी लेते हैं और उसके बाद जो है वापस चले जाते हैं। We'll be right back.
और जितने भी मुझे दर्शक यहाँ तक देख रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है जिनको कि हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में आगे ना बने और नकारात्मक कमेंट ना करें, क्योंकि नकारात्मक कमेंट करोगे तो इससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचे, मैं अपनी संस्कृति को हमेशा ही बढ़ावा देना चाह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने तक पहुँचे और लोग हमारी संस्कृति को, इस विरासत को पहचाने, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की देवी देवताओं के बारे में जाने, तो किस प्रकार यहाँ पर देवी देवता रहते हैं।